हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, हम लोग पिछले क्लास में पॉलिटी का पिछले क्लास में हम लोग जो है आर्टिकल 5 to 11 डिस्कस किए थे। अब हम लोग सिटीजनशिप के बारे में अभी डिस्कस करने वाले हैं। सिटीजन एक्ट, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिटीजनशिप एक्ट सबसे पहले कब लाया गया था, तो सबसे पहले 1995 में लाया गया, ठीक है। और इसमें संशोधन सबसे पहले कब हुआ, तो 1986 में ये आपका हुआ। सिटीजनशिप एक्ट जो है, क्योंकि आपको बता दें ओरिजिनल जो संविधान था, ओरिजिनल संविधान में आपका जो है नागरिकता का जो नियम बनाया गया था वो उस समय का तात्कालीन हालात को देख के बनाया गया था, क्योंकि उस समय इंडिया पाकिस्तान में जो बंटवारा हो रहा था उसमें काफी दिक्कत हो रहा था, तो उस समय ये तात्कालीन हालात में उसमें जल्दीबाजी में, ठीक है, बना दिया गया था, बिना सोचे समझे फिर भी बनाया गया था। तो बाद में संसद को यह अधिकार दिया गया था कि बाद में आप इस पे कानून बनाइएगा और सोच समझ के बनाइएगा। तो वही बाद में ये सिटीजनशिप एक्ट जो है सबसे पहले 1995 में लाया गया, ठीक है, और उसमें जो संशोधन हुआ वो 1986 में हुआ। तो ये जो पांच कानून, सॉरी 1995 में, ठीक है, नागरिकता का जो कानून आया, नागरिकता अधिनियम, वो पांच आधार पे आपको जो है सिटीजनशिप प्रदान करती है, बाय बर्थ, बाय लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ द रजिस्ट्रेशन, इन डेजिग्नेशन, ठीक है, एक्वायर्ड लैंड। और ये पांचों के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं बाय बर्थ, जन्म के आधार पे। जन्म के आधार पे ये कानून जो है ये तो लाया गया, और जैसे कि जन्म के आधार पे कहीं का भी हो, बाहर का विदेशी आदमी हो और इंडिया घूमने के लिए आया हो और उन इंडिया में बेबी जन्म ले लेता हो, बच्चे का जन्म हो जाता हो, तो उस बच्चे का नागरिकता मिल गया इंडिया के, तुम इंडिया में जन्म लिया, अब इंडिया के तुम नागरिक हो। अब वो बड़ा होके क्या करेगा, इंडिया पे है, ठीक है, इंडिया का वो दुश्मन बन जाएगा। मान लीजिए इस टाइप का बहुत ज्यादा मिसयूज होने लगा, कुछ नक्सलाइट किस्म के लोग क्या करते थे कि अपने, ठीक है, अपने यहाँ के जो बीवी या फिर किसी भी प्रकार के मतलब महिलाओं को यहाँ भेज देना और डिलीवरी कराना और यहाँ इंडिया का सिटीजनशिप ले लेना, बड़ा इजी हो गया था। इजी नहीं हो गया था, जरा सोचिए ना आप कि हमको इंडिया का सिटीजनशिप लेना है, जन्म के आधार पर हो ये रहा है, तो काहे ना हम अपनी शादी कर लेते हैं, अपनी पत्नी को जब वो डिलीवरी होने का टाइम होगा, बच्चे को जन्म देने का, तो इंडिया भेज देंगे, तो मेरा जो बेटा होगा उसको इंडिया का सिटीजनशिप मिल जाएगा। तो ये बहुत बाद में सरकार को आंख खुली, ठीक है, कि इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया, क्योंकि दुनिया में कितनों अच्छा आप कोई भी चीज बना लीजिए उसमें मिस्टेक हो ही जाता है। चाहे हम अपना एग्जाम्पल दे दें, ठीक है, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम में मैं बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर 4 दिन 5 दिन में पढ़ाता हूं तो बहुत अच्छा पढ़ा सकता हूँ, आपको समझा सकता हूँ। फर्स्ट टाइम में दिक्कत होता है, तो फर्स्ट टाइम में ये कानून बना था 1985 में, बट सुधारा गया था, ठीक है, 1986 में। बोला कि नहीं रे बप्पा, हम कैसे दे देंगे इस तरह जन्म के आधार पे, तब तो दिखते हैं। अब क्या कानून बना 1986 में, बोला गया फादर या मदर, ये दोनों में से कोई एक भारत के नागरिक होना चाहिए, तभी आपको सिटीजनशिप प्रदान होगी। ये चलते रहा, फिर 2003 में इसी में संशोधन किया गया। अब बोला गया फादर या मदर दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए तथा दूसरे का भी वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, यानी दूसरे का भी नागरिकता वैलिड होना चाहिए, दोनों का होना चाहिए, तब जाके उसको भारत का नागरिक माना जाएगा और भारत का सिटीजनशिप दिया जाएगा, यानी कि समझ रहे ना, सिंपल भाषा में ये। सेकेंड क्या है, बाय लैंग्वेज, वंश के आधार पे नागरिकता आपको दी जाएगी, ठीक है, मतलब कि आप, आपके पिताजी भारत के नागरिक हैं तो आपको भी नागरिकता प्रदान हो जाएगी। जैसे हम लोग सबको नागरिकता वंश के आधार पे मिला है, क्योंकि हमारे पूर्वज जो थे वो भारत के नागरिक, तो हमको मिल गया है वंश के आधार पे नागरिकता और जन्म के भी आधार पे नागरिकता, हम लोग का जन्म भी यही हुआ है और वंश के भी, तो ये दोनों टाइप के। लेकिन मान लीजिए कि किसी का
पिताजी भारत के हैं और वो विदेश में जाके सेटलमेंट हो गए हैं, लेकिन उनके पुत्र आए और पुत्र जी भारत में रहना चाहते हैं, तो उनको भारत के नागरिकता पिताजी के जन्म के आधार पे इसको मिल जाएगा, यानी कि वंश के आधार पे इसके पिताजी। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम हो गया था। क्या प्रॉब्लम हो गया था कि पिताजी केवल भारत का होना चाहिए, तो भैया माताजी क्यों नहीं होनी चाहिए? बोलिए बोलिए। पिता ही जी खाली होना चाहिए क्या? पिता ही जी जो है ऐसे विदेश जाके किसी महिला से मैरिज करके इंडिया ले आते हैं? ऐसा तो नहीं है। हमारी माता जी भी जो यहाँ भारत की जो गर्ल्स हैं वो भी विदेश में जाके मैरिज करती हैं, तो क्या उनके पुत्र को भारत का नागरिकता नहीं मिलेगा? जैसे सानिया मिर्जा, ठीक है, शुएब मलिक से जाके विवाह रचा लेती है, मैरिज कर लेती हैं, तो क्या उनके पुत्र को यहाँ का नागरिकता नहीं मिलेगा? मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा, उसको भी मिलेगा, ठीक है। तो कैसे मिलेगा? तो ये बाद में 1992 में संशोधन किया गया, ठीक है, सुधार किया गया। कब? 1992 में, कि नहीं केवल पिता पे नहीं, बल्कि अगर उसकी माता भी भारत के नागरिक हो तो उसके पुत्र को भारत का नागरिकता दी जाएगी। समझ रहे हैं ना? क्योंकि इंडिया का संविधान महिला और पुरुष में डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं करता है। यहाँ के लिए जितना हक पुरुष का है उतना ही हक महिलाओं का भी है। तो ये 1992 में फादर एंड मदर दोनों में से कोई भी भारत के नागरिक हो तो उनके पुत्र को भारत का नागरिकता दे दी जाएगी। समझ रहे हैं ना? उसको प्रदान कर दी जाएगी। तो ये है वंश के आधार पर नागरिकता। समझ रहे हैं ना? सानिया मिर्जा का अगर कोई पुत्र है 18 साल के बाद, अगर वो भारत में रहना चाहेगा तो उसको भारत का नागरिकता मिल जाएगा। समझ गए? आगे बात है ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब इंडिया आया कोई विदेशी काम करने के लिए, अब काम कर रहा है, जो उसको अच्छा लग गया, इंडिया कहेगा हम इंडिया में रह जाते हैं, हमको इंडिया पसंद आ गया, तो भैया आपको इंडिया का सिटीजनशिप दिया जाएगा। लेकिन कब कब दिया जाएगा? जब आप यहां 7 ईयर्स रह रहे हो, यानी 7 साल आपका पूर्ण चुका हो इंडिया में, या 7 साल से अधिक हो चुका हो, तब आपका रजिस्ट्रेशन होगा और तब उसके तहत आपको इंडिया का सिटीजनशिप दिया जाएगा। यही कहता है आपको बाय रजिस्ट्रेशन, ठीक है, पंजीकरण के तहत आपको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल इजली भाषा में। आगे बोलता है इंडिजी नेशन, यानी कि देशीकरण, इसका मतलब होता है देशीकरण, ठीक है। तो देशीकरण कैसे? तो मान लीजिए कि कोई यहां पे रहने के लिए विदेशी आता है, ठीक है, और उसको इंडिया का कल्चर बहुत अच्छा लगता है। इंडिया का संविधान में 22 भाषाओं को जो है से आपका दिया गया है, संविधानिक रूप से इंडिया में 22 भाषाओं को, ठीक है, दिया गया है इंडिया का लैंग्वेज, ठीक है, हिंदी, मलयालम, ठीक है, अंग्रेजी इत्यादि लगभग 22 भाषाओं का, उनमें से कोई भी भाषा आपको जो है से आना चाहिए और पूर्ण रूप से इंडिया का कल्चर से, ठीक है। लगभग ये नहीं क्या गया हम सीख क्या किए तो दे दिया गया, नहीं, इंडियन लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ठीक है, और वो भी लगभग आपका 10 साल यहाँ पे बीत चुका हो, ठीक है, 10 साल का एक्सपीरियंस रहा हो। आप यहाँ कलाकार के रूप में आ सकते हैं, साइंटिस्ट के रूप में आ सकते हैं, ठीक है। देशीकरण, आप यहाँ पूर्ण रूप से यहाँ के कल्चर से हेल मेल हो गया और आपका 10 साल हो गया, तब आपको जो है इंडिया का सिटीजनशिप दे दी जाए। समझ रहे हैं ना? तो ये था देशीकरण। पांचवा आपका बोलता है एक्वायर्ड लैंड। एक्वायर्ड लैंड यानी कि अर्जित एरिया के आधार पे भी आपको इंडिया का सिटीजनशिप दिया जाएगा। इसका एक उदाहरण था सिक्किम। 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का जो है से एक स्टेट के रूप में घोषित कर दिया गया, ठीक है, बना। तो ये जो है आपका सिक्किम, इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में भी डिस्कस किए थे, ठीक है, एक्वायर्ड एरिया। अब सिक्किम के जितने नागरिक है उनको क्या सिटीजनशिप नहीं दिया जाएगा? दिया जाएगा। तो अर्जित एरिया से जो
जो अर्जित किया गया है उन्हें भी सिटीजनशिप दिया जाएगा। सिंपल ही सब बात है। लेकिन अब आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 कितने आधार पे आपको नागरिकता प्रदान करती है, तो आप आंसर होगा 5 आधार पे। ठीक है, ये 5 आधार पे नागरिकता प्रदान करती है। लेकिन इसी में पूछा जाएगा कितने आधार पे नागरिकता रद्द भी करती है, कैंसल करती है, सिटीजनशिप कैंसल, तो 3 आधार पे। क्या क्या? तो फर्स्ट में आपका जो है टू सेक्रीफाइस, यानी कि त्याग। मतलब अगर आप किसी दूसरे देश में जाके सिटीजनशिप वहां के ले लेते हैं तो आपका नागरिकता ऑटोमेटिक यहां से रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात है यहां पे डिसमिस, आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। कब? मान लीजिए कि आप इंडिया में रह रहे हैं और यहां इंडिया और पाकिस्तान में लड़ाई हो रहा है और आप बार बार पाकिस्तान के सपोर्ट में बोल रहे हैं और पाकिस्तान के लिए आवाज उठा रहे हैं, हक के लिए लड़ रहे हैं, तो बोलेगा साले तुम यहाँ के खाते हो और गुण पाकिस्तान के गाते हो, जाओ ना पाकिस्तान में भैया, क्या कर रहे हो यहाँ, और आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। कहेगा भेगो भेगो साले को, इधर को नहीं रखने का, इधर पाकिस्तान में भेज देने का। तो ये है आपका कर देना। आगे बोलता है डिप्राइव्ड, डिप्राइव्ड मतलब होता है वंचित कर देना। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति पगला गया, किसी की बातें नहीं सुन रहा, समझा समझा हम थक गए, तो भैया इसका सिटीजनशिप रद्द करो ना, ये पागल है, ये सोच नहीं सकता, इसको पागल खाना में डाल दो। ठीक है, उसको किसी चीज का कोई अधिकार नहीं है। क्या पागल व्यक्ति को आप देखें कि उसको वोट देने का अधिकार है? क्या पागल व्यक्ति को आप देखें इलेक्शन लड़ने का अधिकार है? नहीं, वो देश में रह रहा है बट वो एक पागल के जैसा रह रहा है, वो एक पागल है, समझ रहे हैं? तो ये 3 आधार पे आपका जो है सिटीजनशिप कैंसिल कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। तो यही थी आपका सिटीजनशिप एक्ट जो हम लोग समझे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको समझ में आता है तो कमेंट करके हमें जोर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए इतने। जय हिंद।